जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ गौरव कुमार। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी जेडी का किसी नोटिस से नहीं है, किसी इन्फॉर्मेशन से नहीं है या किसी टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी यह वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मैं बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ आपको। आपको लगेगा कि आज जो गौरव कुमार बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तक जितना वीडियो बनाया ना, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। दोस्तों, हम जानते हैं, ठीक है, वर्दी में है, हम भी जानते हैं इस बात को, ठीक है। वही चीज़ आपको एक बता रहे हैं। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम फौजियों का सम्मान कर रहे हैं, उनका इज्जत कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। स्टेटस लगा दे, कोई फौजी मरेगा स्टेटस लगा देगा, हो गया, बात खत्म। स्टेटस लगा, बात खत्म, अब बहुत सम्मान कर दिए। लेकिन एक्चुअल में कोई सम्मान वान करता नहीं है दिल से। शायद ही कुछ लोग ऐसे होते हैं हिंदुस्तानी भाव जैसे, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि मैं काफ़ी, मतलब, इनसे सहमत हूँ, ठीक है। मैं इनके इस कार्य से इतना प्रभावित हुआ कि ये वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं सका। दोस्तों, अब बताता हूँ आपको कहानी क्या है। एक एक्ट्रेस है, एकता कपूर, ठीक है। उन्होंने बहुत ही लाजवाब एक मूवी बनाई जिसमें उन्होंने दर्शाया कि उनकी शादी एक फौजी से हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत संबंध बना रही है, ठीक है। वो भी उसको वर्दी पहना के फौजी का उसको फाड़ रही है। इस पर हमारे हिंदुस्तानी भाऊ ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। अब सोचो दोस्तों एक बात कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में मूवी का, फिल्म का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोगों को प्यार करना सिखाया तो मूवी, समझे। जो चीज़ होता है ना, मूवी देख करके लोग आता है, अपना बच्चा का नामकरण तक मूवी से रिलेटेड, जो उसको पसंद आता है मूवी में देखता है, वो नाम रख देता है। इतना ज़्यादा प्रभाव करता है। और इस क्षेत्र में अगर गलत चीज़ दिखाया जाएगा तो हमारा समाज क्या सीखेगा। जो ये मूवी बनाई है, ये देख करके लड़का अगर सोचेगा, हमारे भारत देश के गांव के लोग, लड़के, युवा सोचेंगे कि कल को मेरा भी शादी होगा, हम फौज में भर्ती हो जाएंगे, हम ड्यूटी करते रहेंगे, हमारी बीवी भी इस तरह से गलत संबंध बनाएगी, तो क्या वो लड़का अंदर से मोटिवेट हो पाएगा फौज में भर्ती होने के लिए? हाँ, आपसे पूछता हूँ, वो आप खुद हो पाएंगे? आपको अगर पता चलेगा इस तरह से, आप समझेंगे, इसे आप के दिमाग में इस तरह से बात आएगा कि आपकी बीवी इस तरह से करेगी, तो आप आएंगे फौज में? नहीं आएंगे। आप सोचेंगे कि हम घर पर ही कोई ऐसा जॉब करे, कोई ऐसा नौकरी करे कि घर से रहते हुए हम अपना काम करें, अपना बीवी को अपने नजर में रखें। कर पाइएगा आप देश सेवा? नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों, मेरी बात जरा सा भी आपको समझ में आ रही है, जरा सा भी अगर आप मेरे से सहमत है तो हिंदुस्तानी भाव को पूरा समर्थन दो, ठीक है। क्योंकि एक आदमी आगे खड़ा हुआ है, उसका अगर साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 ये लोग, एक्ट्रेस लोग जो है ना, हमारे समाज को खा जाएगा बढ़िया से, ठीक है, और देश को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, वही सारा काम कराता है हमें, अच्छा बुरा, क्या बोलते हैं, मतलब कमजोर, बलवान, वीर्यवान, हमारा मस्तिष्क ही हमें बनाता है। और हमारे मस्तिष्क में अगर गलत गलत बात ये फिल्म उद्योगों द्वारा जगह ठूसा जाएगा, भरा जाएगा गंदगी, तो हम लोग गंदे होते चले जाएंगे, हमारा देश गर्त में चला जाएगा। तो अपनी सम्मान के लिए, अपने धर्म की सम्मान के लिए, अपना धर्म से मतलब क्या, फौजी, फौजी हमारा धर्म है, ठीक है, फौज हमारा धर्म है, अपने धर्म के सम्मान के लिए उनका समर्थन दो और उसको एक शिक्षा दो, उस एक्ट्रेस को, कि आगे से ऐसा मजाक फौज से नहीं कर सके, ठीक है। और उनके साथ साथ जितने भी लोगों के दिमाग में ये लोग, ये कचरा भरता रहेगा ना, तो वो कचरा पहले से ही साफ हो जाए कि हाँ, कि ऐसा नहीं करेंगे, नहीं खिलवाड़ करेंगे फौजियों के साथ, ठीक है। एक दिन तुम लोग भी फौजी बनने वाले हो तो तुम्हें उस वर्दी की कसम है, ठीक है। गलत को पूरे मजबूती से, पूरे दृढ़ संकल्प से उसका विरोध करो बिना डरे, ठीक है। तो चलो,
सपोर्ट करो उनको, ठीक है, और इस मूवी को, ठीक है, आने मत दो, ठीक है, जहाँ भी दिखता है साला इसका बैकआउट करो। तो बस हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, जो मुझे मैसेज देना था, ठीक है, मैंने आपको दिया, आपको सही लगता है तो करो और नहीं तो मरो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।